CPR या कार्डियोपल्मोनरी रेसुसिटेशन एक ऐसा तरीकाकार है जो किसी भी हादसे की सूरत में इंसानी जान बचाने की पहली कोशिश होता है। CPR करने की ज़रूरत वहाँ पेश आती है जब दिल की धड़कन बंद हो जाए और मरीज़ का सांस रुक जाए। ऐसी सूरत हाल ज़्यादातर डूबने, दिल का दौरा पड़ने में सामने आती है। CPR का मकसद दिमाग और फेफड़ों तक ऑक्सीजन की फराहमी को बहाल करना होता है। इंसानी दिमाग ऑक्सीजन के बगैर ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट तक काम कर सकता है, जिसके बाद दिमाग काम करना छोड़ देता है। CPR की सूरत में ऐसे मरीज की बहाली के इम्कान ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं। CPR stands for cardio pulmonary resuscitation। CPR की ज़रूरत बहुत सी कंडीशंस में आती हैं, ख़ास तौर पे जब किसी पेशेंट की पल्स ना हो या उसकी ब्रीदिंग रुक जाए। इन मेडिकल टर्म्स हमें अगर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, पल्स लेस टैकीकार्डिया PEA जैसे हम कहते हैं पल्स लेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी और एसिस्टोली मिले तो हम CPR करते हैं। CPR इमीडिएट करना, बहुत जल्दी करना और जल्द से जल्द पेशेंट के पास पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना हम डिले करेंगे उतना ही जो है वो इसके अंदर पेशेंट को जो ब्लड सप्लाई है उसकी ब्रेन की वो कम होगी और न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। CPR के अंदर जो है वो इमीडिएटली स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है और आइडियली CPR जो है वो विद इन 2 मिनट्स या वन एंड हाफ मिनट शुरू हो जाना चाहिए। मैंने जैसे कि पहले जिक्र किया था कि CPR उस वक्त किया जाता है जब पेशेंट को पल्स या उसकी रेस्पिरेशन नहीं आ रही होती, यानी उसकी ब्रीदिंग नहीं होती या उसका हार्ट जो है वो पंप करना छोड़ देता है। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं मेडिकल कंडीशंस जिसमें ये सिनेरियो क्रिएट होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो हार्ट अटैक है और उसके बाद जो है वो हमें स्ट्रोक के पेशेंट मिलते हैं। इसके अलावा रोड साइड एक्सीडेंट्स इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉज, ड्राउनिंग यानी डूब के पेशेंट डूब गया तो फिर उसके चेस्ट के अंदर उसके लंग्स में पानी चले जाना, उससे सीजेशन हो सकती है रेस्पिरेशन की। और इसके अलावा कोई हेमरेजिक शॉक हो, कोई रिएक्शन हो, कोई टॉक्सिसिटी हो, इसमें भी अगर कार्डियोपल्मोनरी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए तो CPR की ज़रूरत पड़ती है। देखिए CPR की ज़रूरत जो है वो दो जगह होती है अमूमन, एक तो रोड साइड अगर कोई रोड साइड इंसिडेंट हो गया या कोई हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर आपको CPR की ज़रूरत हो। दोनों का थोड़ा सा तरीक़ेकार डिफरेंट है। इन हॉस्पिटल सेटिंग वी यूजली एक्टिवेट द कोड विच इज़ कॉल्ड कोड ब्लू बाहर के मुल्कों में, और ये कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट के ऊपर ज़्यादातर ये कोड एक्टिवेट किया जाता है। इस कोड को एक्टिवेट करते ही जो है वो जितने भी डॉक्टर्स उस डिपार्टमेंट के होते हैं एफिलिएटेड डॉक्टर्स, या अगर उस डिपार्टमेंट से एफिलिएटेड ना भी होंगे तो वो अपनी सब चीज़ें छोड़ के उस पर्टिकुलर बेड साइड की तरफ भागेंगे और फिर CPR करेंगे। ये कोड जो है वो सारे हॉस्पिटल्स के अंदर कम्युनिकेशन सिस्टम में एम्बेडेड हुआ तो होता है, और कम्युनिकेशन सिस्टम की ये जिम्मेदारी होती है कि जब भी कोई पेशेंट क्रैश करे तो वो कोड को एक्टिवेट करे। आउटसाइड सेटिंग्स के अंदर CPR किया जाता है, जिसमें अगर कोई रोड साइड है या कोई मॉल है या कहीं पे भी जहाँ पे पेशेंट क्रैश कर जाए और उसकी सर्कुलेशन और उसकी रेस्पिरेशन ना आए, तो उसके तरीक़ेकार थोड़ा सा हॉस्पिटल सेटिंग से फ़र्क होता है, जिसके अंदर सबसे पहले जो है वो हम इमरजेंसी कॉल करते हैं, जो भी लोकल इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम है उसको कॉल करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो भी साथी है उनको कहें कि अगर इमरजेंसी आ रही है तो उसके साथ वो जो है वो AED भी ले के आ जाए। तो हम कहते हैं कॉल इमरजेंसी एंड ब्रिंग AED, ठीक है। AED एक ऐसी डिवाइस है जिसको जो कि आप पेशेंट को डिफिब्रिलेशन प्रोवाइड करती है। AED स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। ये एक छोटा डिफिब्रिलेटर होता है जो बैटरी ड्रिवन होता है और इससे हम डिफिब्रिलेट करते हैं। एक आम आदमी जिसे CPR नहीं पता, वो कुछ चंद इम्पॉर्टेंट स्टेप्स अगर याद रखेगा तो डेफिनेटली उसको CPR करने में बहुत आसानी होगी। अब हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर अगर CPR दे रहे हैं तो फिर हमें सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो डिफिब्रिलेटर का मौजूद होना
ज़रूरी है। तो हम कोशिश करते हैं कि AED के फॉर्म में या मैनुअल डिफिब्रिलेटर फौरन के फौरन पेशेंट के करीब पहुंच जाए। लेकिन ज़ाहिर बात है, अगर हॉस्पिटल के बाहर होंगे तो हमें जो है वो कुछ चंद स्टेप्स जो हैं वो हमें आने चाहिए। पहले जो होते थे स्टेप्स वो ABC कहलाते थे, लेकिन 2010 गाइडलाइन जब से AHA की चेंज हुई है तो दे हैव चेंज इन इट इन टू CAB। तो ABC में A इज़ फॉर द एयरवे, B इज़ फॉर द ब्रीदिंग एंड C इज़ फॉर द सर्कुलेशन। लेकिन नाउ दे हैव चेंज इट टू CAB। सो CAB के अंदर इट्स सर्कुलेशन फर्स्ट, देन एयरवे एंड देन एट द एंड ब्रीदिंग। एंड देन दे हैव ऑल्सो एडेड D ऑल्सो विच इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट विच इज़ डिफिब्रिलेशन। लेकिन D कैन कम एट एनी टाइम वेन एवर इट इज़ अवेलेबल। डिफिब्रिलेशन कैन कम एनी टाइम वेन इट इज़ अवेलेबल। मैंने जैसे कि आपको बताया कि ABC इज नाउ चेंज इन टू CAB। तो C से हम सर्कुलेशन, जिसके अंदर हम चेस्ट कंप्रेशन सबसे पहले करेंगे, और उसके बाद हम हेड टिल चिन लिफ्ट करेंगे, जिस जो कि एयरवे को पेटेंट करेंगे, और B से हम ब्रीदिंग देंगे। तो ये फॉर्मेट है जिससे हम CPR शुरू करते हैं, आफ्टर कॉलिंग दी हेल्प और आफ्टर चेकिंग द रिस्पॉन्स। तो अगर हम सीक्वेंस वाइज जाएं, तो सबसे पहले हम वी चेक रिस्पॉन्सिवनेस, सेकेंड स्टेप वी कॉल फॉर हेल्प, एंड इफ़ वी आर इन हॉस्पिटल वी विल से एक्टिवेट द कोड एंड ब्रिंग द क्रैश कार। इफ़ वी आर आउटसाइड द हॉस्पिटल वी विल से कॉल इमरजेंसी एंड ब्रिंग AED। थर्ड स्टेप इज चेस्ट कंप्रेशन। चेस्ट कंप्रेशन आप सबसे पहले करने से पहले आप सर्कुलेशन चेक करेंगे, कैरोटिड में आप सर्कुलेशन चेक करेंगे नॉट मोर देन 10 सेकेंड्स। उसके बाद आप चेस्ट कंप्रेशन करेंगे इंटर मेमोरी लाइन से, आप एक लाइन सीधी खींच के, और उसके बाद अपने हाथ को और दूसरे हाथ को सपोर्ट करके 30 कंप्रेशन देंगे विद द रेट ऑफ 100 कंप्रेशन पर मिनट, एटलीस्ट 100 कंप्रेशन पर मिनट। उसके बाद आप जो है 30 कंप्रेशन के बाद आप हेड टिल्ट चिन लिफ्ट करेंगे विच इज़ अ पार्ट ऑफ A। मैंने आपको जैसे बताया था CAB, तो हमने C कवर कर लिया है, अब हम A में हैं। तो A के अंदर हम हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट करेंगे, इस मनूवर से जो है वो आपकी एयरवे पेटेंट हो जाएगी।